टुडे नितेश बाबू हैज बीन असाइंड सर्विस, सो ही विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम भगवद गीता एंड अदर्स. आफ्टर दैट दे कैन आल्सो ट्वीट. सो लेट अस एनकरेज बाय प्रेइंग लॉर्ड. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो इन फ्यूचर आल्सो विल ट्राई, बिकॉज माइट बी टू डेज इन थ्री डेज इन वीक आई मे नॉट बी able to take classes, so one devotee will try to give classes so that they will also read into it and try to express also, so that mutually each and everyone will grow. So I will encourage everyone who is interested, they can also ask, and so that they will be assigned one classes also in between. So let us pray and start the class. Nitesh will give this class. Hare Krishna Prabhuji and Anvata Nam to all devotees. Prabhuji, mujhe to लोग का जो सेवा मिला है प्रभु जी ने जो बोला है, तो इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, मैं इसका पढ़ के जो भी मतलब समझ में आएगा, जो पुराने क्लास से भी समझ में आया जो इससे रिलेट हो पाएगा, वो मैं बताने का ट्राई करूंगा. लेकिन अगर इसमें आप लोग को और कुछ मतलब क्लास लगेगा कि इसमें कहीं सुधार का जरूरत है या इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, तो आप लोग क्लास में ऐड कीजिएगा. और फिर जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग का लास्ट में, तो मेरे से हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं क्वेश्चन लिख लूंगा. मैं फिर पंकज ना प्रभु से पूछ के, या आप लोग में से एक दूसरे को जो वो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे तो एक दूसरे का हेल्प कर पाएंगे. नहीं नहीं होगा तो मैं लिख के प्रभु जी से पूछ के फिर उसको बता पाऊंगा. तो मैं ट्राई करता हूँ इस क्लास का. तो 54 तक हो गया था. 54 में कल हम लोगों ने देखा था कि 54 श्लोक तक क्वेश्चन मतलब अर्जुन जी उसमें क्वेश्चन पूछ रहे थे. तो अब 55 से लेकर के श्लोक 72 तक भगवान उसका एक एक जो भी उनका क्वेश्चन था, उनका डाउट था, उनको क्लियर कर रहे थे. तो 54 में क्या हुआ था कि ठीक है, 54 में जो क्वेश्चन पूछा गया था क्या था, अर्जुन बोलते हैं कि देयर आर सिम्टम्स ऑफ वन हूज कॉन्शियसनेस इज दस मर्ज्ड इन ट्रांसेंडेंस, हाउ डज ही स्पीक. चार क्वेश्चन टोटल उसमें पूछे हैं, इसका आंसर 55 से 72 तक में दिया गया है. How does he speak? What is his language? How does he sit? And how does he walk? मतलब जो ट्रांसेंडेंस में मर्ज हो जाता है, तो वो किस तरीके से बोलता है, उसका लैंग्वेज, उसका भाषा क्या होगा, वो कैसे बैठेगा और वो कैसे चलेगा. तो इसका आंसर में भगवान उवाच 55 श्लोक से 55 से 72 तक में देंगे. तो आज दो श्लोक ट्राई करेंगे कवर करने का, श्लोक नंबर 54, 55 and 56. इसमें भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कर्मान सर्वानार्थ मनोगतम आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थिता प्रज्ञस्तो द्यच्यते. तो इसमें कहते हैं कि छोड़ दो, भगवान कहते हैं उनको, अर्जुन जी को कहते हैं कि द पर्सनैलिटी, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड सेड, ओ पार्था, वन अ मैन गिव्स अप ऑल हिज वैरायटीज ऑफ डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन व्हिच अराइजेस फ्रॉम मेंटल कॉन्कुटेशन एंड व्हेन हिज माइंड दस प्यूरिफाइड फाइंड सेटिस्फेक्शन इन सेल्फ अलोन, देन ही इज सेड टू बी इन प्योर ट्रांसेंडेंशनल कॉन्शियसनेस. तो ये पहला क्वेश्चन जो था उसके बारे में भगवान डिस्कस कर रहे हैं. तो भगवान बोल रहे हैं कि अपने सारे इच्छाओं को छोड़ दो. तो अपने सारे इच्छाओं को छोड़ दो, फिर अर्जुन जी बोलते हैं कि प्रभु जी जो भक्ति करना है वो भी तो एक इच्छा है, आप तो बोल रहे हैं कि सारे इच्छाओं को छोड़ दो, तो फिर ये कैसे होगा. तो फिर भगवान यहाँ कहते हैं कि जो मन से उत्पन्न हुआ है इच्छा, उसको छोड़ दो. क्योंकि हमारा मन जो है, मन तो हमारा मलिन है, मन तो हमारा वो प्योर वो पवित्र तो नहीं है, उसमें उतना भक्ति तो नहीं है. तो इसीलिए तुम उन सारे इच्छाओं को छोड़ दो जो मन से उत्पन्न हुआ है. तो अब जो है, जो जो तुम्हारे मन में इच्छा है नहीं लड़ने का, जो ये उत्पन्न हुआ है, ये तुम्हारे मन से उत्पन्न हुआ है कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, जो भी इस युद्ध स्थल में है सब हमारे अपने हैं, अपने पे मैं कैसे वार करूंगा, या फिर मैं अगर जीत भी गया तो फिर मैं मतलब क्या खुशी मिलेगी, जब जिस समय में हम सेलिब्रेट करेंगे तो उस समय में हमारे सेलिब्रेट करेंगे, उस समय में हमारे कोई अपने बंधु बांधव ही नहीं होंगे इस चीज को देखने के लिए. तो फिर ये सब क्वेश्चन प्रश्न जो तुम्हारे मन में उठा है, तो ये मन से जगा है. तो इसीलिए मन हमारा मलिन है,
इसीलिए मन से उत्पन्न सारी इच्छाओं को तुम छोड़ दो। तो फिर अर्जुन बोलते हैं कि ठीक है, मन से उत्पन्न छोड़ देंगे तो आपका शुद्ध भक्त जो है अगला में अगला जो है मनोगतम आत्मेना वात्मेना तुष्टास्तित ज्ञाता स्त दोच्यते। तो आपका शुद्ध भक्त कैसा होता है? तो भगवान इसी चीज को बोलते हैं कि जो मेरा शुद्ध भक्त होता है वो अपने इच्छा से नहीं करता है, जो उसका मन में आ गया वो कर दिया, तो वो अपने इच्छा से नहीं करता है। अगर भगवान बोल रहे हैं तुम लड़ो तो हमें उस समय में लड़ना होगा। भगवान जो बोल रहे हैं, भगवान बोले कि तुम वनवास चले जाओ तो वो वनवास चला गया। फिर भगवान उसे बोलते हैं कि देखो तुम वनवास तो जा रहे हो, लेकिन वनवास में अर्जुन तुम अपने समय को व्यर्थ ही नष्ट मत करना। उस समय में उसे बताते हैं कि तुम इस समय में पशुपात्र अस्त्र जो है इनको इसको ले करके आओ। तो फिर वो जाते हैं, फिर वो पशुपात्र अस्त्र लेकर के आते हैं। तो भगवान का भक्त अपने मन की इच्छा से नहीं करता है तो फिर कैसे करेंगे कुछ भी कार्य, वो कैसे करेंगे, किसके इच्छा से करेंगे? तो भगवान का भक्त जो है वो भगवान का जो इच्छा है या भगवान का जो प्रतिनिधि है उनके इच्छा से करेंगे। भगवान का प्रतिनिधि मतलब डेली हमें क्लास में बताया जाता है कि भगवान का प्रतिनिधि मतलब जो हमारे गुरु है, जो हमारे शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, अब जो भी हो पाता है, क्योंकि दीक्षा गुरु से तो हम हमेशा नहीं मिल पाते, लेकिन जो हमारे शिक्षा गुरु है, जो हमको इस लाइन में एक एक स्टेप उंगली पकड़ के सिखाए हैं कि कैसे एक एक स्टेप बढ़ना है, हमें कैसे भगवान को प्रसाद ऑफर करना है, हमें कैसे मतलब दूसरे भक्त का सेवा करना है, भक्त का इंस्ट्रक्शन ही हमारे लिए सबसे बड़ा होता है। तो वो उनका जो इच्छा है वो डायरेक्ट भगवान का इच्छा है। जो भगवान का इच्छा, हम भगवान के प्रतिनिधि के इच्छा के माध्यम से हमें पता चलेगा कि हमारे भगवान का प्रतिनिधि का इच्छा क्या है, हमें उनका जो इच्छा है, उनका जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है, ना कि अपने मन से कुछ करना है, क्योंकि हमारा मन तो साफ उतना नहीं है, कुछ भी हमारा मन तो मलिन है। तो अब हम इसको इसका एक्सप्लेनेशन और भी देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। द भागवतम अफर्म्स दैट एनी पर्सन हु इज फुल्ली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड हैज ऑल गुड क्वालिटीज ऑफ द ग्रेट से, जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में है सब में साधु का एक गुण होता है, क्योंकि हम लोग भी तो एक छोटे से अंश मतलब एटम, एक छोटे से अंश के बराबर है। सब तो भगवान का पार्ट ही है, सब में तो वो क्वालिटी है, लेकिन भगवान में तो बहुत ज्यादा क्वालिटी है और हम लोगों में जितने भी इंसान है सब कुछ है, सब में थोड़ा थोड़ा क्वालिटी है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो भी भक्त है, जो फुल्ली कृष्णा कॉन्शियसनेस में पर्सन है, तो उसको जो है सारे गुड क्वालिटीज और सेजेस है। वेयर एज A person who is not transcendentally situated has no good qualification because he is sure to be taking refuge in his own mental concoction. Consequently, it is rightly said herein that one has to give up all kinds of sense desires manufactured by mental concoction. आपके दिमाग से, आपकी मन की इच्छा से जो भी उत्पन्न हुआ है, जो इच्छा मन के विचार से, आप सारे इच्छाओं का त्याग कर दो, सारे इच्छाओं को छोड़ दो। आर्टिफिशियली सच सेंस डिजायर्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड, जो दिमाग में आ रहा है उसे तो हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि दिमाग में एक दिन में मतलब कहा जाता है कि सुबह से लेकर रात तक मोर देन 36,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो फिर इनको जो अलग अलग थॉट आप मेडिटेशन करने बैठेंगे, चैंटिंग भी करेंगे, उस समय भी दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो कह रहे हैं कि हम तो उनको स्टॉप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस में है तो ऑटोमेटिकली जो है सेंस डिजायर जो है वो धीरे धीरे आपका वो दबने लगेगा। तो इसीलिए किसी को भी मतलब जितना थॉट्स अभी चल रहे हैं, थॉट्स धीरे धीरे वो दबने लगेगा, कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप भगवान के बारे में सोच रहे हैं तो भगवान के बारे में सोच आने लगेगा, जो एक्स्ट्रा मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन का सोच हमारे माइंड में चल रहा था वो कम होने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हर किसी को इंगेज होना चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में बिना कोई सी हेजिटेशन का। और फॉर दिस डिवोशनल सर्विस विच इंस्टेंटली वन ऑन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंशियल कॉन्शियसनेस, हमारे मन में भगवान के प्रति जो जागृति होगा भक्ति मार्ग में, जो ही हम इसमें इंगेज होने लगेंगे हमारा भक्ति पढ़ने लगेगा। इसमें जो बहुत ही डेवलप्ड सोल रहता है, हाईली डेवलप्ड सोल,
वो हमेशा सेटिस्फाइड रहता है इन हिमसेल्फ बाय रियलाइजिंग हिमसेल्फ एज द इटरनल सर्विटर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. दस अ ट्रांसडेंटली सिचुएटेड पर्सन हैज नो सेंस डिजायर्स रिजल्टिंग फ्रॉम पिटी मटेरियलिज्म, रेदर ही रिमेंस ऑलवेज हैप्पी इन हिज नेचुरल पोजिशन ऑफ इटरनली सर्विंग द लॉर्ड. जो भगवान के भक्त रहते हैं, शुद्ध भक्त तो मतलब बहुत हाई लेवल के होते हैं, आप जैसे मैं हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता ऐसे करके, तो जो इंस्ट्रक्शन मिलता है तो मन में बहुत सारा मटेरियल डिजायर सारे थॉट से ग्रसित है, तो वो धीरे 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 जो प्रोसेस में, जैसे कि आज ये क्लास लेने के लिए बोला गया, ये सेवा दिया गया, तो इससे क्या हुआ कि रात से ही मेरे दिमाग में चल रहा था कि मतलब कैसे सेवा देना है, मतलब किस तरीके से क्लास में वो बोल पाएंगे श्लोक को, मतलब उसका तो कुछ मतलब नहीं पता है, लेकिन आप लोग का इंकरेजमेंट और वो सब मिला और भगवान भगवान चाह रहे हैं तो फिर ये हो रहा है. मतलब मैं बोले जा रहा हूँ, मतलब मुझे बोलने के लिए बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत आता है, लेकिन किस तरीके से बोलना है नहीं पता है, लेकिन आप लोग हैं, आप लोग इनकरेज किए क्लास के स्टार्टिंग में, और जो भगवान का वो सिंस भगवान का सेवा कर रहे हैं, भगवान का इच्छा है, तो इसीलिए जो भी है पढ़ के तो वो मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ. तो क्या है ओवरऑल इस श्लोक का क्या क्रक्स था, तो 54 में हम लोग देखे कि अर्जुन जी जो है भगवान से, अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान जो ट्रांसजेंडर लाइफ में है उसमें कैसे आदमी बोलता है, आदमी का लैंग्वेज क्या होगा, कैसे आदमी बैठेगा और कैसे वॉक करेगा, ये चार क्वेश्चन पूछते हैं. तो श्लोक नंबर 55 से लेकर के 70 तक में, श्लोक 55 से लेकर 72 तक श्लोक में इसका आंसर दिया गया है. तो 55 श्लोक का समरी हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग क्या देखें, इसमें भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन तुम छोड़ दो. अर्जुन पूछते हैं क्या छोड़ दो, सब कुछ तो है, भक्ति भी तो इसी में आता है, आप बोल रहे हैं छोड़ दो सब कुछ तो भक्ति भी छोड़ दे. भगवान बोलते हैं नहीं, जो मन से उत्पन्न हुआ है, आपके मन से मनस्थिति से जो उत्पन्न हुआ है, आप उन सारे चीजों को छोड़ दो, क्योंकि हमारा मन मलिन है, दोषी है, आप वही करो जो इंस्ट्रक्शंस मिलता है किसके द्वारा, भगवान या फिर भगवान के प्रतिनिधि के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस मिलता है आप उसी को फॉलो करो और आप इंगेज रहो, क्योंकि हमारा दिमाग में हमेशा बहुत सारा थॉट्स चलते रहता है, तो फिर आप जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंगेज रहो. जो ही आप इंगेज रहोगे तो बाकी जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन और मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और आप सेटिस्फेक्शन सेटिस्फाइड होने लगोगे. तो इस तरीके से श्लोक नंबर 56 के बारे में भगवान बताते हैं, सॉरी 55 के बारे में. अब श्लोक नंबर 56 आता है, 56 में फिर होता है क्या बोलते हैं देखते हैं, बोलते हैं दुखेश्व नद्विगर्मणा सुखेशु विग्रत स्प्रिय वितराग भय क्रोध स्थिति धीर्मानुच्यते. तो फिर इसमें बोलते हैं कि श्लोक नंबर 56 में, कल जो है पंकजना प्रभु शाम के इवनिंग क्लास में, अभी शायद वो हाँ प्रसाद प्रभु आए, प्रसाद प्रभु को एक चीज बोल रहे थे कि प्रसाद प्रभु आप जो है जो दुख होता है उसमें बहुत दुखी भी नहीं होते हैं और जो खुश होता है तो आप बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं होते हैं, आप मतलब थोड़ा बहुत स्टेबल न्यूट्रल रहते हैं. तो मुझे लगता है कि प्रभु जी का इसी श्लोक के तरफ इशारा था, क्योंकि इस श्लोक में यही बोला गया है कि जो दुख होता है उसमें हमें बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना. अब दिमाग में आएगा कि जो दुख हुआ है उसमें हम बहुत ज्यादा दुखी कैसे नहीं होंगे. हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज हम सब्जी काट रहे हैं, सब्जी काटने से हमारा क्या हुआ कि हाथ में चाकू थोड़ा सा लग गया, नाइफ लग गया, हमारा थोड़ा सा ब्लड जाने लगा, हम हल्दी दे के किसी चीज से दे करके ब्लड को रोक देते हैं, हमें तो दुख हुआ कि हमें तो सब्जी काटने में लग गया, लेकिन हमें उस समय में ऐसा सोचना है कि हमारा तो पूरा उंगली भी कट सकता था, अभी जो हम सब्जी काट रहे थे हमारा तो पूरा ऐसे कुछ डायरेक्शन चेंज होता उंगली भी कट सकता था, हमारा तो पूरा नस भी कट सकता था, ऐसा हो सकता था कि हम फिर बचते ही नहीं, ऐसा कुछ भी हो सकता था. तो हम भगवान का सेवा कर रहे हैं, तो जब हम भगवान का सेवा कर रहे हैं तो इसीलिए हमारा दुख जो है जितना होना चाहिए हमारा दुख हमको कम मिला है, दुख तो हमको कम मिला है तो हमको दुख कम मिल रहा है. क्यों? क्योंकि हमारे साथ कुछ भी हो सकता था, हम भगवान के सेवा में हैं, भगवान के भक्त के साथ हैं, हमारा जो है बाकी लोगों के साथ एसोसिएशन है, डिवोटी एसोसिएशन है, हम भगवान का
जो भी क्लास होता है हम उसको सुनते हैं, भक्त के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, इसीलिए जो हमारा दुख आने वाला था जिस लेवल का, तो भगवान के सेवा करते हुए होने से मेरा दुख जितना होना दुख बहुत कम मिला हमको, क्योंकि हमको तो कुछ भी हो सकता था। तो इस तरीके से दुख में बहुत दुखी नहीं होना है, बल्कि उस समय में भगवान को थैंक यू बोलना है कि हे भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि आपके कारण ही हम बहुत बड़े दुख से बच गए। अभी तो ये जो दुख का मैग्नीट्यूड हमें मिला है ये तो बहुत कम दुख है, हमें तो बहुत दुख मिल सकता था, लेकिन हम आपका सेवा जो भी कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसीलिए भगवान तो अपने भक्त वत्सल है। भगवान तो आप एक कदम बढ़ेंगे तो भगवान 100 कदम बढ़ाते हैं, तो भगवान हमेशा अपने भक्त के लिए तैयार रहते हैं। कल भी शाम के क्लास में 2 एग्जाम्पल दिए थे भगवान, कि भगवान किस तरीके से अपने भक्त का बात प्रूफ करने के लिए खुद भगवान चले जाते हैं। क्योंकि एक आप लोग भी सुने होंगे कि एक बेटी का, मतलब ये उड़ीसा का ही कहानी है, उसके बेटी का शादी होने वाला रहता है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, तो फिर वो हमेशा उसकी पत्नी बोलती है कि अरे आप तो हमेशा चैंटिंग करते हैं, ये सब भगवान का सेवा में ही लगे रहते हैं, तो फिर आप जो है अपनी बेटी का शादी कब करेंगे, आप तो न देखते हैं न कुछ करते हैं। तो बोलता है अरे भगवान कर देंगे, तो बोला भगवान कर देंगे, तो फिर ये लीन हो जाते हैं। इस तरीके से हमेशा दोनों में होते रहता है। वो बोलते हैं कि अभी बड़ी हो रही है, आप शादी के लिए कुछ ना पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ना सामान इकट्ठा कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे सब भगवान कर देंगे, हमको विश्वास है भगवान मेरे आएंगे, भगवान कर देंगे। तो कुछ दिन के बाद वो क्या होता है कि वो फिर चले जाते हैं वहां से, वो चले जाते हैं कहीं, तो देखते हैं कि कुछ दिन के बाद उनके घर में माता जी के पास शादी का प्रपोजल आता है कि उनकी बेटी के लिए। तो वो देखते हैं कि शादी का प्रपोजल आया, तो वो समझते हैं कि अच्छा अच्छा ये गए हैं बाहर तो वहीं से भेजे हैं। फिर शादी का दिन नजदीक आने वाला रहता है, घर में कुछ भी सामान कुछ भी नहीं इकट्ठा होता है, और फिर कैसे होगा, फिर वो माता जी चिंता करने लगती है अपनी बेटी के लिए कि अभी तो कुछ भी घर में नहीं आया है, अब कैसे होगा, इतने सारे लोग आएंगे, सबको किस तरीके से प्रसाद ये सब करेंगे। फिर देखते हैं कि कुछ दिन के बाद जो ही समय नजदीक आने वाला रहता है, तो बुलक कार्ट में बहुत सारा सामान लाद करके एक काला छोटा बच्चा आता है बुलक कार्ट को खींचते हुए, और वो अपने शोल्डर पे भी, अपने कंधे पे भी कुछ सामान लेकर के शादी का अपने कंधे पे भी आता है। अब बुलक कार्ट तो इतना था, भगवान तो किसी को भेज भी सकते थे, फिर भी वो अपने कंधे पे क्यों लेकर के आए, वो बाद में आते हैं उस चीज पे। तो फिर उनके यहाँ फिर शादी जो है वो सारा सब कुछ अच्छे से संपन्न होता है, बहुत अच्छे से होता है, फिर वो विदाई होकर के चली जाती है। उसके बाद वो लौटते हैं, ब्राह्मण जो है वो अपने घर लौटते हैं काफी दिन के बाद, घर में देखते हैं कि अरे मेरी बेटी कहाँ है, बेटी कहाँ है, खोजते हैं बेटी कहाँ है, तो फिर उनकी बेटी नहीं दिखाई देती है। तो फिर वो माता जी से पूछते हैं कि ये कहाँ गई बेटी, अरे आप ही तो भेजे थे, कहाँ भेजे थे, अरे शादी का प्रपोजल, हम कहाँ भेजे थे शादी का प्रपोजल, अरे आप तो पूरा सामान लेकर के भी भेजे थे, सारा सामान इकट्ठा हुआ था, सब बहुत अच्छे से शादी हुआ, वो आप भेजे थे, गुलाकाट में एक लड़का आया था वो जो है काला कलर का था, और एक छोटा बच्चा था वो तो बुलाकाट को खींचते हुए भी आया अकेला, और उसके कंधे पे भी वो अपना सामान भार लेकर के आया। तो देखिए भगवान कितना भक्तवत्सल है, तो वो अपने कंधे पे भी रख के आया, ये समझ गए कि वो कान्हा जी थे, कृष्ण जी आए थे। वो बोले कि आपको तो दर्शन हो गया साक्षात भगवान का, क्योंकि वो खुद भगवान आए थे और वो अपने भक्त को, भक्त का बात को प्रूफ करने के लिए कि भगवान खुद लेकर के सामान आते हैं, तो वो इसीलिए अपने कंधे पे रखे। वो तो बुलाकात में किसी भेज सकते थे या बुलाकात में रख सकते थे, लेकिन नहीं, वो अपने कंधे पे लेकर के आए, क्योंकि भक्त उनका बोला था कि भगवान आएंगे हमारे, भगवान खुद लेकर के आएंगे या भगवान खुद करेंगे, तो इसीलिए भक्त का बात गलत नहीं जाए, इसलिए भगवान वो चीज के, तो इसीलिए भगवान तो भक्त वत्सल है। तो इसीलिए जो भी हमें दुख मिलता है, तो दुख मिलता है तो उस समय में हमें ग्रेटिट्यूड भगवान को ये अर्पण करना है कि भगवान हमें जो दुख मिला है ये दुख बहुत कम मिला है, हमें तो इससे बहुत ज्यादा मिल सकता था, और जिस समय में हमें सुख मिलता है उस समय में तो अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट रहता है, किसी भी चीज कुछ हो जाए लाइफ में तो भी इतना खुशी हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं, हमें उस समय में कहा गया कि बहुत ज्यादा भी खुशी नहीं होना है,
क्योंकि जब आप दुखी होंगे और जब आप खुश होंगे दोनों समय में प्रेशर का लेवल डिसऑर्डर होगा, ब्लड प्रेशर चेंज होता है। जब आप खुश होंगे एक्साइटेड लेवल हो सकता है इतना ज्यादा बढ़ जाए कि उस समय में हानि होने का खतरा है। कि सुख किस चीज के लिए, सब कुछ तो भगवान का है, खुश होइए, लेकिन बहुत ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल, अलग एक्साइटमेंट लेवल में हमें नहीं चला जाना है। जिस तरीके से हम दुख में बहुत दुखी नहीं हुए ये सोच के कि ये तो भगवान, हमें और ज्यादा दुखी हो सकता था लेकिन भगवान बचा लिए, उसी तरीके से सुख में ये सोचना है कि सब कुछ तो भगवान का है, ये भगवान ने मुझे दिया है। कुछ भी हमें अगर मिलता है इस पृथ्वी पे, जो भी हम हवा सांस ले रहे हैं, जो भी हमें खाने पीने के लिए सब कुछ, पेड़ पौधा हमारा क्या है, हम क्या कुछ लेकर के तो नहीं आए थे और हम यहाँ पे पकड़ के बैठे रहते कि सब हमारा अपना है। कुछ ये सब क्लास में सुने हुए बोल रहे हैं, तो कुछ हमारा अपना नहीं है, सब तो भगवान का दिया हुआ है और सब भगवान का है। तो इसीलिए हमें सुख में भी भगवान को ये बोलना है कि हे भगवान, जो भी है सुख तो हमें मिला है, उस समय भी भगवान को थैंक यू करना है कि हे भगवान, जो मुझे बहुत एक्साइटमेंट लेवल में गए हमें स्थिर रहना है कि भगवान हमें तो मिला है, ये तो आपका है, आपका आशीर्वाद है, इसीलिए हमें ये मिला है। तो फिर हमारा मन जो है थोड़ा स्थिर होगा, न दुख होने से ज्यादा दुख, न खुशी होने से हमें बहुत ज्यादा खुशी होना चाहिए। होगा तो क्या होगा, जो ये पृथ्वी लोक है ये कहाँ पे है, ये भी तो विष्णु जी के हमेशा अंदर ही रहता है, तो हम जाएंगे भी दुखी होंगे, दुख भी हो गया, खुश से ज्यादा होगा तो क्या होगा, भगवान के अंदर ही रहेंगे। इसलिए भगवान हमेशा अपने भक्त, हर किसी को, सब तो भगवान के ही संतान है, जितने भी लोग हैं तो भगवान तो हमेशा उनको प्रोटेक्शन देते ही रहते हैं। इसीलिए हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है तो हमें भगवान को सेंटर में रख करके, चाहे दुखी हो या खुशी हो, हमें सोचना है कि ये तो भगवान का है, दुख मिला है तो भी भगवान दिए है और भगवान मतलब इससे हमें बचाए हैं, और सुख मिला है तो ये तो भगवान का ही अंश है और भगवान हमें दिए है। तो थोड़ा इसके लाइन को, यही है क्रक्स श्लोक का। अब हम इसको लाइन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है 56 श्लोक में। वन हु इज नॉट डिस्टर्ब इन माइंड एंड इवन अमिस्ट द थ्रेशहोल्ड मिजरीज और इलेटेड व्हेन देयर इज हैप्पीनेस एंड हु इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट फियर एंगर इज कॉल्ड सेज और स्टेडी माइंड। स्थिर दिमाग का वही चीज है कि हमें हमारे जीवन में कुछ भी हो जो अटैचमेंट से दूर रहता है, फियर से दूर रहता है, गुस्सा एंगर से दूर रहता है, इज कॉल्ड सेज और स्टेडी माइंड। कि अब गुस्सा से कभी कभी होता है स्पॉन्टेनियस, जो हम मटेरियल लाइफ में तो हमेशा माया देवी, तो हमेशा जो ही हम थोड़ा सा दूर होते हैं डेली रूटीन में आते हैं तो माया देवी तो हमारे ऊपर हावी होने लगती है। तो उस समय में कुछ ऐसा होता है हमारे रेगुलर एक्टिविटी में, हम जो सोचते हैं कि नहीं हो पर वैसा होने लगता है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशंस उस टाइप का होता है। एक्सपेक्टेशंस क्यों रहता है, क्योंकि हमारा अटैचमेंट रहेगा, जहां पे भी अटैचमेंट रहेगा वहां एक्सपेक्टेशंस आएगा। तो एक्सपेक्टेशन से क्या होगा, अगर वैसा वो फुलफिल नहीं होगा तो हमें क्या आएगा, एंगर। अब एंगर अगर बहुत तेज कभी आए तो मैं तो ये इसे सोचता हूँ कि ट्राई करूं इस पे थोड़ा और करूं, कि जब बहुत तेज गुस्सा आए उस समय में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देने का करे, तो उस समय में भगवान का एक मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो एक श्लोक जो ही स्पॉन्टेनियस गुस्सा आए, कुछ उसको बोलने का या कुछ रिएक्शन करने का मन कर रहा होता है कभी कभी, गुस्सा अनएक्सपेक्टेड, मतलब हम भक्ति लाइन में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे हैं जाने का, लेकिन स्टिल कभी कभी गुस्सा आता है, तो उस समय में रिएक्शन नहीं दे करके, अगर हम उस समय में कि एक बार जब भी हमें गुस्सा आएगा, बहुत तेज गुस्सा आएगा, किसी पे कोई कुछ बोल दिया तो उस समय मन शांत करके एक बार तो हमें भगवान का श्लोक, वो पूरा का पूरा भगवान का एक और महामंत्र बोल देना। जो ही हम महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो कुछ देर के लिए जो हमारा स्पॉन्टेनिटी है और भगवान के इस महामंत्र के शक्ति से हमारा गुस्सा घट जाएगा। फिर जो हम उसको रिएक्शन में बहुत कुछ बोलने वाले थे, उसका भी हमें, उस कर्म का भी हमें मिलता, उसका भी हम भागीदार होते, तो वो भी हमारा कम हो गया और वो गुस्सा भी कम हो गया, और जो रिएक्शन हम जिस तरीके करते वो भी कम हो गया। तो इस तरीके से यही चीज में बोला गया कि जो अटैचमेंट है, जो फियर है, डर, जो एंगर, हमें फियर किस चीज का, हम तो भगवान के भक्त हैं, जो भी है तो भगवान, हमें तो भगवान बचाएंगे। प्रहलाद महाराज उस स्थिति में थे, वो क्या बोलते थे, कुछ भी हुआ तुम हमें फेंक दो, हाथी के आगे फेंक दो,
तुम अग्नि में उसको दे दिया, ठीक है दे दो, कुछ नहीं, आंख बंद किया, हमको तो भगवान बचाने आएंगे। तो उनको कुछ फियर ही नहीं था भगवान के। जो शुद्ध भक्त उस लेवल पे था, बहुत हायर लेवल थे भक्त, तो जो शुद्ध भक्त भगवान के होते उनको फियर कहाँ से आएगा। उनके मन में तो हमेशा होगा हम किस चीज से डरे, भगवान तो हमारे साथ है, भगवान है हमारे लिए, फिर तो हमें तो किसी चीज से डरने का जरूरत ही नहीं है। तो अब हम इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसी चीज का। द वर्ड मुनि मीन्स वन who can agitates his mind in various ways for mental speculation without coming to a factual conclusion। वही चीज है कि मुनि कौन है, इसमें बताया गया जो पहला था कि मुनि means जो one who can agitate his mind in various ways for mental, जो mental दिमाग में चल रहा है speculations। आजकल क्या रहते हैं मुनि, बहुत सारे, मतलब हमें उससे भी बच के रहना है। जो भी इस श्लोक में, या फिर मैं एक बार बवार सुन रहा था कि जो मुनि उस तरीके से जो तिलकधारी हो गए, या फिर जो उस लेवल का कपड़ा पहन लिए और फिर जो कहीं बोलने लगे, तो वो जरूरी नहीं है कि वो हम उस लेवल के भक्त हो, जो क्योंकि हो सकता है कि वो अपने विचार से कुछ बोल रहे हो, अपने मन का बात बोल रहा हो, नहीं, जो भगवान के द्वारा बताए गए जो प्रोसेस है, जो ट्रांसडेंटल जो चीज चलते आ रहा है हमारा, जो भगवान बोले थे अर्जुन, जो नारद मुनि के थ्रू, या बाकी जो अलग अलग हमारे मतलब जो भी हमारे गुरु परंपरा के थ्रू आ रहा है, जो इस चीज में बोले, क्योंकि एक क्लास इसमें तो हुआ था कि कौन है गुरु, कौन होता है, जो भगवान के द्वारा बताए गए जो भी बात है उनमें बिना कोई मिश्रित किए हुए, बिना कोई एड, बिना हुए, जो उस चीज को एज इट इज बोलते जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि भगवत गीता एज इट इज, क्योंकि इसमें कुछ भी मिश्रित नहीं है, जो भगवान के द्वारा बोला गया है वही गुरु परंपरा से आया है, तो वही हमें बाकी जो भी कपड़ा पहन के, जो भी तिलक धारी ऐसे करके हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो उस लेवल के भक्त ही हो। अगर वो होंगे भक्त, अगर वो भगवान के द्वारा बताए गए चीजों को, जैसे ऊपर से चलते आ रहा है हमारे गुरु से जो हम सुनने आ रहे हैं, उस तरीके से हमें बताए बिना कोई चीज मिश्रित किए हुए, तो ही हम उनको मानेंगे। It is said that every muni has a different angle of vision and unless a muni differs from other muni, he cannot be called a muni in the strict sense of terms। कह रहा है कि जब तक एक मुनि एक दूसरे से डिफर नहीं करेंगे तभी वो मुनि कहलाएंगे। एक दूसरे से डिफर कब नहीं करेंगे, तभी डिफर नहीं करेंगे जब वो गुरु का बात एज इट इज बोलेंगे। गुरु का बात एज इट इज है और सब उसी चीज को बोल रहा है, इसका मतलब वो मुनि है। तो ना सब रसीर यक्षा मात्रम मात्रम न भीनम, ये कहा गया 313.117। बट स्थिर धीर मुनि एज मेंशन्ड हियर इन बाय द लॉर्ड, यहाँ पे बोला गया स्थिर धीर मुनि कौन होता है, इज different from an ordinary muni, बाकी जो मुनि है इनसे ये अलग है। कैसे अलग है, स्थिर धीर मुनि is always in Krishna consciousness, क्योंकि ये हमेशा Krishna consciousness में रहेंगे, for he had exhausted all his business of creative exploration, अपने दिमाग से जो भी उत्पन्न करने का रहेगा, क्योंकि ये सब कुछ हो चुके हैं। अब ये जो भगवान जो बताया, अपने दिमाग से बिना कुछ मिश्रित किए, जो भगवान के द्वारा बताया गया बस उसी को बोलेंगे। टाइम होने वाला है, खत्म करते हैं इसको। He is called प्रशांत प्रशांत निहिसना प्रशांत निहिसासा मनोरथा मनोरथांतरा, और one who has suppressed the stage of mental speculations and has come to a conclusion that Lord Sri Krishna or Vasudeva is everything, जो अपने दिमाग का सारा, दिमाग में जो भाव चल रहा है, बहुत सारा चीज जो आ रहा है, उसको खत्म करके बस ये सोचे कि जो भगवान है वही सब कुछ है, जो कृष्णा है, जो वासुदेव है वही सब कुछ है। He is called a muni fixed in mind, वही मुनि कहलाएगा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, जो ये चीज बोलेगा कि भगवान जो बोले हैं, भगवान है, वासुदेव है, वही सब कुछ है, वही सच्चा मुनि है। Such a fully कृष्णा कॉन्शियसनेस पर्सन इज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब बाय ऑनस्लॉट ऑफ द थ्रेशोल्ड मिजरीज, ना तो अधिक दुख से, ना अधिक खुश से, किसी भी चीज से वो गंभीर नहीं हो, मतलब बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगा, और वो एक्सेप्ट करेगा जितना भी मिजरीज उसके लाइफ में आ रहा है, ये तो भगवान के मर्सी है। थिंकिंग हिमसेल्फ ओनली वर्दी ऑफ मोर ट्रबल ड्यू टू हिज पास्ट
मिसडीड्स, वो बोलेगा कि हे भगवान मुझे और दो दो, क्योंकि जो मैं पास्ट में जो भी गलत कर्म किया हूँ तो मैं उसे भोगने के लिए मैं उसका भोगी हूँ, मैं तो बहुत गलत चीज किया हूँ. एंड ही सीज दैट हिज मिजरी बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड आर मिनिमाइज. जब आप ऐसा बोलते हैं तो आपका भावना सरेंडर जैसा हो जाता है, भगवान हम तो ऐसा, हमें तो ये दुख मिला, हमें तो और दुख दो, क्योंकि हम तो बहुत नीचे हैं, हम तो बहुत ज्यादा मतलब गलत किए हुए हैं, पास डीप्स में भी मेरे से बहुत ज्यादा गलती हुआ होगा और हो रहा है, मुझे और दुख दो. जब आप ऐसे बोलते हैं तो भगवान तुरंत क्या करते हैं, उनके ग्रेस से, उनके द्वारा आपका जो भी ये है वो मिनिमाइज हो जाता है, बहुत मिनिमल लेवल तक, लोवेस्ट लेवल तक आपका मिजरी. सिमिलरली उसी तरीके से व्हेन ही इज हैप्पी ही गिव्स क्रेडिट टू द लॉर्ड. जब हम खुश होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, तो वो क्रेडिट खुद नहीं लेकर के कुछ भी हुआ तो वो भगवान को क्रेडिट देते हैं कि ये भगवान के द्वारा हुआ है. बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है. थिंकिंग हिमसेल्फ अनवर्दी ऑफ हैप्पीनेस, मैं तो इस खुशी के इस कुछ लायक ही नहीं था, लेकिन ये तो भगवान का आशीर्वाद मिला है, भगवान का थोड़ा सा कृपा हुआ, इसीलिए हमें ये आपका जो हमें जो खुशी मिला है, हमें जो ये सक्सेस मिला आपके द्वारा ही मिला है भगवान, ये तो आपका है, आपका मर्सी हुआ हमारे पे. He realizes that it is due to the Lord's grace that he is in such a comfortable condition and able to render better service of the Lord. कि वो शुद्ध भक्त सोचता है कि जो खुशी मिला आज हम जो भी हैं, ये तो सब कुछ भगवान के कृपा से मिला है और हम इतने आज कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, इसीलिए हमें तो अब खाने पीने इन सब चीजों का तो चिंता नहीं है, जो बेसिक नीड्स है हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, इसीलिए हमें बाकी उसको लगा करके भगवान के सेवा में लगाना है, हमें ज्यादा से ज्यादा सर्विस करना है. एंड फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड ही इज ऑलवेज डेयरिंग एंड एक्टिव. वो हमेशा एकदम उठाने के लिए कि भगवान का जो भी हमें इंस्ट्रक्शन मिला है, भगवान और भगवान के प्रतिनिधित्व का, उसके लिए हमेशा तैयार रहता है, एक्टिव रहता है और नॉट इन्फ्लुएंस होता है किसी भी अलग डायरेक्शन में भटकने से या फिर अटैचमेंट से. अटैचमेंट्स मीन एक्सेप्टिंग थिंग फॉर वंस ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड डिटैचमेंट इज द एब्सेंस ऑफ सच सेंसुअल अटैचमेंट, जो ऑलरेडी डिस्कस हो गया. बट वन फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज नेदर अटैचमेंट नॉर डिटैचमेंट बिकॉज His life is dedicated in the service of the Lord. Consequently, he is not at all angry, even when his attempts are unsuccessful. Success or no success, a Krishna consciousness person is always steady in his determination. तो लास्ट में बोला गया कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस पर्सन रहते हैं तो उनको ना तो बहुत ज्यादा किसी चीज से अटैचमेंट रहता है, ना तो डिटैचमेंट रहता है, तो वो तो बहुत शुद्ध लेवल पर रहता है. हम लोगों तो मतलब जो मेटेरियल लाइफ में अटैचमेंट तो हर चीज से बहुत ज्यादा रहता है कि कब कम होगा, सिंह संभक्त के एसोसिएशन में है, अभी थोड़ी देर हम लोग सुन रहे हैं कुछ, या फिर सामने सुनने के लिए मिलेगा, या फिर कुछ भी एकादशी करते हैं, भगवान को थोड़ा आरती दिखाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो ये सब भगवान का जो हम लोग सेवा करते हैं, तो इससे तो मटेरियल लाइफ से तो बचना मुश्किल है जो माया देवी है. लेकिन जो हमारा ये अटैचमेंट डिटैचमेंट है ये थोड़ा स्टेबल होगा, ये किसी भी चीज से कम होगा तो हमारा सर्विस में थोड़ा ज्यादा मन लगेगा. और न तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है किसी चीज पे, चाहे बहुत ज्यादा सक्सेस मिले या फिर न सक्सेस मिले, उस समय भी दुखी नहीं होना है. अब कृष्णा कॉन्शियसनेस पर्सन इज ऑलवेज स्टडी इन डिटर्मिनेशन, वो हमेशा एकदम अपने उसमें डिटरमाइंड रहता है और स्टडी रहता है और हर चीज के लिए भगवान को, चाहे दुख हो या सुख हो, भगवान को सेंटर में रखता है. हे भगवान दुख मिला, दुख तो बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन आप थे तो इसीलिए तो जो ही ये बोला तो भगवान उसका दुख को बहुत मिनिमाइज कर देगा. और जो सुख है, सुख को भगवान को डेडिकेट कर देना है कि ये भगवान जो हमें ये सुख मिला है आज, तो भगवान ये तो आपका है, आपके वजह से मिला है, तो भगवान को जो ही हम उस समय में भगवान को वो अर्पित कर देंगे, वो सुख आपके वजह से मिला है, तो फिर आपको ना तो बहुत ज्यादा सुख ना ज्यादा दुख किसी चीज से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. और फिर भक्ति में जो हमें बेसिक नीड्स है, जो भी हमें भगवान, जो हम आज स्टेबल लाइफ जी रहे हैं, ये सबको कुछ ना कुछ जो बेसिक अर्निंग है हम सब अर्न कर रहे हैं, अपने फैमिली को खिला रहे हैं, खुद खा रहे हैं, इसका मतलब हमारा बेसिक नीड्स फुलफिल हो रहा है. जो भी है बाकी फैमिली में जो मेंबर है खुश है, बच्चे जिसके यहाँ पढ़ रहे हैं अच्छे तरह, तो इसका मतलब हम लोग स्टेबल है. हो सकता था बहुत सारे लोग को हम लोग देखते हैं वो लोग स्टेबल नहीं भी है, तो क्यों? तो क्योंकि भगवान का कुछ ना कुछ हम लोग को सेवा होगा, ये होगा, इसीलिए भगवान ही वो दिए है हमें स्टेबल अभी, इसलिए हम लोग स्टेबल है. तो जब वो उस जगह पे है तो हमें उस चीज को भगवान का
सेवा में लगाना है और भगवान को अर्पित कर देना है, तो यही शुद्ध भक्त का क्वालिटी है। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम टू ऑल डिवोटी। मैंने ट्राई किया, जो भी गलती हुआ इस क्लास में, जो मैं नहीं समझा पाया या जो भी अलग से कुछ मेरे तरफ से एड ऑन हुआ होगा जो कि नहीं ठीक है, उसके लिए माफ कीजिएगा गुरु जी लोग। तो हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम टू ऑल डिवोटी। हरे कृष्णा बहुत ही आचार्य प्रभु जी। कोई कुछ अपना वो शेयर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं या बोल सकते हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा। सेवा देने से इतना जल्दी राजी हो गए और इतना बड़ा प्रिपरेशन भी कर लिया और अच्छे से प्रेजेंट कर लिए, तो इसका मतलब आपका तो बैकग्राउंड में सब कुछ है, कर सकते हैं बहुत अच्छा। जो इंस्ट्रक्शंस जो मिला मुझे पता भी नहीं था ये कैसे बोल पाएंगे, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं होते भी और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन भी बन गया वो सराहनीय है सबके लिए। और हम जिस लेवल पे है उस लेवल से आप इतना समझा पा रहे हैं वही बड़ी बात है। नहीं तो जो सुने थे वही बताने का ट्राई किए से तो कुछ हरे कृष्ण सब लोग सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। हरे कृष्ण सुशांत प्रभु जी है क्या। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अरे हमारा बहुत बोल रहे हैं आप बिल्कुल जो बोलिए, कोई गुरु नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो फॉर्मेलिटीज। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। आज का क्लास पूरा बहुत अच्छा लगा, नितेश प्रभु जी ने मैंने एक्सप्लेन ब्यूटीफुली बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा एक्सप्लेन पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन किए पूरा और ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पूरा एकदम बोले। आप बीच बीच में क्लास लीजिए बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है ब्रो जी ट्राई करेंगे वो जो भी हुआ काफी कुछ, इसलिए मैं तो मैं बहुत क्लास जैसे पंकज मैं प्रभु सुख प्रभु और जो संपत प्रभु जी है तो इन सब से तो ये सब स्टार्टिंग में तो क्लास और मेरे से बहुत बातचीत की उस लेवल पे बहुत कुछ सिखाता है। तो जो संपत प्रभु है वही पे मतलब जब मैं कटक में था तो वहाँ भी और सुख प्रभु भी वहाँ पे आते थे तो कभी कभी क्लास लेते थे बताते थे तो बहुत तो हमारे ग्रुप में प्रभु जी जो आचार्य रतन प्रभु है, हमारा संपत प्रभु है, प्रसाद प्रभु है, ये सब पूरा एलोक्वेंट स्पीकर है सब। सब दीदी तो डिवोटी हायर लेवल है एंड एक्सेप्ट मी सो आई वांट टू हियर ऑलवेज। आचार्य रतन प्रभु का आवाज नहीं आ रहा। थैंक यू प्रभु हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ठीक है प्रभु हरे कृष्णा ठीक है। और किसी भक्त को कुछ बोलना संपत प्रभु है। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी आप इनकरेज। अच्छा, मैं तो आपका जो कल क्लास आप दिए थे तो मुझे लगा था कि आपको पंकज प्रभु जी बोले होंगे तो मैं तो क्यूरियसली वेटिंग फॉर टू हियर फ्रॉम यू आप तो क्योंकि आपका गॉड गिफ्टेड है, आपको भगवान कृष्ण का बहुत ही कृपा है कि आपका जो मत स्मृति ज्ञान अपहरण है आपका मेमोरी बहुत ही शार्प है, आप पूरा जेरोक्स कर लेते हो, जो भी सुनते हो वही बोलते हो तो एग्जैक्ट एक एक पॉइंट भी नहीं छूटता है आपसे, तो ये बहुत ही अच्छा गुण है जो आगे चल के
हमारा जो ग्रुप है वो बढ़ेगा तो आपकी मतलब आप उसमें बहुत ज्यादा सहयोग कर सकते हो, ये क्वालिटी को आप और इम्प्लीमेंट करोगे, यूटिलाइज करोगे। और आप लोग का जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे बहुत अच्छा भाई। हाँ बोलिए, आप लोग का जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेगा ऑलवेज फॉलो करेंगे आप। तो मुझे तो कुछ भी दिक्कत होता है तो मैं प्रभु जी को कॉल कर लेता हूँ कि प्रभु जी ये क्या खाना चाहिए संपत प्रभु को, मतलब आज एकादशी है कि नहीं, तो आज क्या खाएं, कुछ भी करें, तो एक तरीके से मतलब पर्सनल गाइड है मेरे। ये सब गुण आप में है, आप में जो डिवोटी बनने के लिए जो सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो गुण चाहिए, वो आप में सब भरा हुआ है। आप आगे चल के ये सब, ये जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाइए, उसको मतलब डेवलप करिए। और ये जो यहाँ पे जो आप कर रहे हो, आप थोड़ा आपका जो ये है, आपका जो भी लोकेलिटी है, मतलब आपके कॉलिग्स हैं जो भी है, वो आप वहाँ पे भी इसको इसी तरह से प्रेजेंट करिए। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मेरी तरफ से तो पूरा गो शाबाश। आप लोग का आशीर्वाद है प्रभु जी, इसीलिए ये सब नहीं अच्छा है ना। आप ये जो भगवान ने आपको गुण दिया है, मेमोरी दिया है, तो आप इसको वहाँ पे मटेरियल में यूज कर रहे हो, तो इसको स्पिरिचुअल में भी यूज करेंगे, तो रेगुलरली करेंगे, तो कंटिन्यूसली करेंगे, तो आपको अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा। और वो जो डिबोटी है ना, उनका जो नाम आप बोल रहे थे, उनका नाम याद रखिए, उनका नाम गीता पंडा है। अच्छा, गीता पंडा, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। तो वो जो 9.22 है, उनका हाँ। जो डिस्क्रिप्शन आता है वो उनका बार बार भी गीता में देना पड़ता है एग्जाम्पल। तो दो है, एक अर्जुनाचार्य है जो जो लड़के को जो मतलब भगवान से जो लाइन जो काट दिए थे बाहा में, हम जो जो लाइन को काट दिए थे, हाँ, हाँ, तो उनका नाम अर्जुनाचार्य है, और इनका नाम जिसके बेटी के शादी है उनका नाम गीता पंडा। ये दोनों को याद रखिए, मतलब भक्तों का नाम भी याद रखना हाँ। चाहिए, क्योंकि ये लोग, ये जो शुद्ध भक्त है उनका नाम स्मरण मात्र ही हमको कृपा मिलता है। थैंक यू, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी का आवाज नहीं आ रहा, आप लोग को आ रहा है क्या? नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं आवाज तो नहीं, ठीक है प्रभु जी, नेटवर्क इशू कुछ है हो सकता है। तो संपत प्रभु जो लास्ट में बोलते हैं वो तो मुझे नहीं आता है, तो लास्ट में क्या बोल के क्लास खत्म करते वो थोड़ा बोल दीजिए। वो तो जय ध्वनि देते हैं, जय ध्वनि देते हैं, तो सबका प्रभुपाद महाराज का, तो मैं वो जय ध्वनि देता हूँ। तो शील प्रभुपाद महाराज की जय, श्रीमद भगवद गीता पाठ की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, वांछा कल्प तरु यस्य कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।